हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल. दिस इज़ मानसी चौधरी और आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है. मैं एक्चुअली ऋषिकेश गई थी. ऋषिकेश में हाँ, पूरा बारिश में भीगे, वहाँ पर सारा टाइम बारिश हो रही थी. लेकिन यमुनानगर की बारिश में मैं एक दिन क्या भीग गई, मैं बीमार हो गई. अभी मुझे 2-3 दिन हो गया बीमार हुए हुए, दैट्स वाई कोई व्लॉग भी नहीं आया, ना कोई ट्यूटोरियल आया. अब 2 दिन हो गए हैं पड़े हुए बेड पे. मम्मी भी बेचारे परेशान हो गए हैं, काम करके मेरा खाना बनाना सब कुछ. मम्मी भी दुखी हो गए हैं, थक गए हैं और इतनी दवाइयाँ खा खा के गई, मैं भी पागल हो गई हूँ. अब ना वर्कआउट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, इतना घर में बोरिंग फील होता है. इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग ही बना लूँ, थोड़ा मन लग जाएगा मेरा. तो बस अभी मम्मा ने मेरे लिए खाना बनाया, तो खाना खा के मैं बैठ लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं अपना टाइम गुजार रही हूँ. तो गाइज, ये देखो, मम्मा ने मेरे लिए साबुत मसूर की दाल बनाई है ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ. और उन्होंने मुझे बोला है कि कहीं नहीं जाना, घर पे बैठ के रेस्ट करो बस. तो मैं ही खाती हूँ, देन मैं आप लोगों से बात करूँगी. तो गाइज, मेरा पहला टाइम पास तो आपने देख ही लिया, माऊ माऊ आ गई है घर पे और अब हम माऊ माऊ के साथ खेल कर अपना टाइम पास करेंगे, है ना माऊ माऊ? तो प्यार करते ना मेरे से? आपको पता है जब ये पहले आती थी ना, मुझे कभी भी ऐसे ऐसे हाथ टच करने कभी नहीं देती थी. और अब देखो, अब इसको मेरे पे कितना ट्रस्ट हो गया. और करूँ. गाइस देखो, मैंने सॉक्स भी पहनी है क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही है. तो गाइस, अब मैं और मामू हम दोनों खेलेंगे, ठीक है? हम दोनों खेलेंगे, हमारा टाइम पास ऐसे ही होगा, ठीक है? अब हाँ, कहाँ गई? देखो मेरे से दूर जाके बैठ गई अभी, और मैं गुस्सा मान जाऊंगी इससे. तो गाइज, मैं खाना खा के सो गई थी और अब मम्मी ने मुझे उठाया चाय दे के, एंड अब भी तबीयत मुझे अपनी डाउन ही फील हो रही है. तो माँ मुझे डॉक्टर के लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मे बी मेरी जो मेडिसिन है वो चेंज करेंगे, एंड मे बी एक बार मैं शेल्टर भी जाऊँ. बहुत याद आ रही है उनकी, अपने बच्चों के ना देख के आऊँगी. तो देखते हैं, ऐसे घर में बैठे बैठे भी मन नहीं लगता, बहुत बोरिंग सा फील होता है. और मौसम भी बहुत अच्छा रहे, देखिए. ये गाइस ब्राउनी हमें फॉलो करते हुए, ले ले चलोगे एक्टिवा पे घूमने? हाँ, ओए होए होए होए, क्यों ना बच्चा, एक्टिवा पे घूमना है तेरे को, एक्टिवा पे घूमना है. इधर देख, अच्छा मर गए थे. हाँ, इसके बच्चे. हाँ, यहाँ बैठ के पहले से देखे बच्चे. नहीं नहीं कुछ कहते, ये लोग वहीं रहते हैं ना, ऑलमोस्ट वहीं शेल्टर शोल्टर में, जैसे डॉग्स के पास, तो इन्हें पता रहता है. अब हमें ये समझ नहीं आ रही, इन्हें पूरा कवर करना है नहीं, नहीं पूरा करना. थोड़ा तो ऊपर छोड़ो, थोड़ा सा ये तो पानी अंदर चला जाएगा सारा. उसी है ना मानसी? नहीं आप देखो, आपको ये पानी आई दे, ये वो जैसे बच्चे भी इसने कितना पूरा बन गया, कुछ नहीं है. हेलो,
हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, कल क्या हुआ, कल शेल्टर जाने के बाद हमें रास्ते में कुछ डॉग्स मिल गए थे। हमारे गली के पास ही है, मतलब सेकंड गली आप लगा लो, वहाँ पर एक किसी ने बच्चे दिए थे, तो उसको थोड़ा सा शेड दे के आना था। तो वो शेड दे के मैं और मम्मा ने मेरे को दवाई दिलवाई, और वो दवाई लेके मुझको इतना ज़्यादा नींद आई कि मैं सो गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊं। तो इन द मीन टाइम जब मैं रेस्ट कर रही थी, तो कोई एक मिस हैपनिंग हो गई मेरे फैमिली में। मैं वो बता नहीं सकती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने इमोशंस को व्लॉग में शेयर करना, स्पेशली ग्रीफ वंस। वो एक इमोशंस का मजाक लगता है कि जब मैं अपने इमोशंस शेयर करूँ व्लॉग्स में। खुशियाँ मैं शेयर करूँगी बट इमोशंस नहीं। तो वहाँ पर मुझे जाना था, लेकिन मेरी तबीयत को देखते हुए फीवर नहीं उतर रहा था, तो मुझे यहीं पर ही रुकना पड़ा। मम्मा चले गए हैं, मम्मा विल बी बैक, तो मैं यहाँ पर हूँ। मेरा जी भी नहीं लग रहा उनके बिना। एंड अभी मुझे शेल्टर से कॉल भी आया कि एक लैब्रा डॉग है, वो आई थिंक 1 महीने का है, और किसी कपल ने उस बच्चे को रोड साइड पर देखा पड़े हुए। तो मुझे कॉल आया कि एक बार चेकआउट कर लो, तो मैं अभी वहाँ जाऊँगी और देखूँगी। देखो, बीमार होने से काम नहीं रुक सकता, तो आई हैव टू गो। जो मेरे बच्चे वहाँ पर, वो मुझे होप से देखते हैं, तो उनके लिए मुझे जाना पड़ेगा। मेरा भी दिल नहीं लगेगा और मम्मा भी नहीं है, तो मेरा तो वैसे जी नहीं लगना। तो अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगी पेट मॉल, कुछ मेडिसिन उठानी है, देन मैं सीधा शेल्टर जाऊंगी। तो मैं आपको अपडेट करूंगी, और इस बीमारी में ऐसे ही टाइम पास होगा मेरा। तो गाइस, कीप वॉचिंग। ब्रेकफास्ट करती हूँ, देन पेट मॉल जाके शेल्टर पे आई विल शो यू गाइस, बाय। तो गाइस, ये मैंने अपने लिए वाइट ओट्स बनाया। आज मेरा वाइट ओट्स खाने का मन कर रहा था, तो आज मैंने सिंपल से बना दिया। डॉक्टर ने भी मुझे बोला है कि लाइट फूड ही खाना है, तो मैंने ये बना लिया। तो गाइस, जब मैं यहाँ पर आई, ये जो दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे शेल्टर पर आए। ये तो ब्रीड डॉग है, देखो इसको टिक्का भी लगा हुआ है, पता लगा होगा। बट ये बच्चा पीछे से है पैरालाइज्ड, तो उन्हें पता होगा तो मैं भी छोड़ दिया होगा इसको। और ये बच्चा भी ब्रीड डॉग ही है, इससे थोड़ा सा बड़ा है बस। तो गाइज, अब बस मैं चेंज करके जिम जाऊंगी, बिकॉज मुझे काफ़ी सारा शूट पेंडिंग पड़ा है कुछ प्रोडक्ट्स का, एंड चाहे बीमार हो कुछ भी हो वो करना पड़ेगा। तो गाइज, मैंने चेंज तो कर लिया है शेल्टर से आके, और बट मुझे जिम जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स का शूट पेंडिंग पड़ा है, और मैं 3 दिन तक उनको भी डिले नहीं कर सकती। तो मैं फटाफट जाऊंगी शूट करके, एंड घर आके मस्त रेस्ट करूंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे नाक भी बंद है ना, बहुत इरिटेशन हो रही है। तो गाइस, मैं जाती हूँ जिम, कीप वॉचिंग। तो गाइस, मुझे बताना, जब भी आप बीमार होते हो या कुछ, तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो? क्योंकि आप देख रहे हो मेरा टाइम तो जैसे स्पेंड होता है वैसे ही हो रहा है। मुझे मम्मी की भी बहुत याद आ रही है, आज आ जाएंगे मम्मा, पर दिल नहीं लग रहा। तो गाइस देखो, मम्मा भी आ गए घर, और अब मुझे किसी टाइम पास की ज़रूरत नहीं है। मैं मम्मा से बात करूँगी, एंड आप लोग भी जाओ। अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, और देखो मम्मा टायर्ड कितने लग रहे हैं ट्रैवल करके। चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।